So now I am going to start our second question of 3.2. 3.2 question number second. तो second question में क्या लिखा है? On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines are intersecting, parallel या coincident. आप सबके पास notes है कल वाला, तो you can see from there also कि कौन से टाइप पे यहाँ पे ग्राफ आपका बनेगा. बिना ग्राफ को बनाए आप ग्राफ को बनाने से पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का ग्राफ बनने वाला है. ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर अगेन वंस दैट A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. अगर आपके पास आता है, अगर ये कंडीशन बनती है, देन यू विल राइट हियर ग्राफ कौन सा होगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है, ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ द कंडीशन इज दिस वन. सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही मैंने, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. अगर आपके पास ये कंडीशन होती है, मींस फर्स्ट टू इक्वल होते हैं बट थर्ड इज नॉट इक्वल, ऑन दैट केस दे विल बी पैरेलल लाइंस. तो जो आपको ग्राफ बनने वाला है दैट विल बी पैरेलल लाइंस. एंड द थर्ड वन इज if B1 upon A2 is equal to B1 upon A2 is equal to C1 upon C2 and अगर आपके सारे ही equal आ जाते हैं, on that case we say they are coincident lines. ठीक है, वहाँ पे आपके पास क्या होगा, coincident lines है. ठीक है, so let's start the question how to do. So first question you have given that is 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0. तो इफ यू रिमेंबर आई सेड इन माय लास्ट लेक्चर दैट ऑलवेज व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द इक्वेशन कीप x एंड y ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट टर्म ऑन अदर साइड. ठीक है, अगर आप अपनी इक्वेशन में ध्यान से देखें तो सी हियर इज x y तो है बट साथ में कांस्टेंट टर्म भी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट साइड. आप उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे. हमेशा जब भी इक्वेशन को सॉल्व करता है, कोई भी इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है, किसी भी तरीके की सॉल्व करनी है, ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट एक्स वाई शुड बी ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट टर्म शुड बी ऑन अदर साइड. सो आई विल चेंज दिस इक्वेशन एज 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 8. ठीक है, यू विल टेक दैट 8 अदर साइड, इट विल बिकम माइनस 8 एंड नेम इक्वेशन नंबर 1. आप इसका नाम रख देना है 1. नाउ द सेकंड इक्वेशन इज गिवन 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0. इन द सेम वे यहां पे वही चीज आपके पास, देखो x y के साथ कांस्टेंट टर्म भी है. सो टेक द कांस्टेंट टर्म ऑन अदर साइड. इसको आपने राइट साइड पे फिर से ले जाना है. द इक्वेशन विल बिकम 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 9. दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर सेकंड. ठीक है, अच्छा मैं ये चीज आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि आप अगर x y ये कांस्टेंट उधर नहीं भी लिखे जाओगे आंसर तब भी आ सकता है, पर इस क्वेश्चन में आएगा फिर आपको हैबिट भी नहीं रहने वाली. सो दैट्स व्हाई ऑलवेज चाहे आप कोई सा भी सम कीजिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग ऑलवेज थिंक, ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट x एंड y को आपने हमेशा जो है हमेशा लेफ्ट साइड पे रखिए एंड कांस्टेंट टर्म शुड बी ऑन द अदर साइड. हमेशा जब भी सॉल्व करना है चाहे कुछ भी करना है उस क्वेश्चन में, दिस थिंग यू शुड कैप इन योर. ओके, आफ्टर फाइंडिंग दिस इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास दोनों आ गई है. नाउ यू शुड फाइंड आउट A1 अपॉन A. आपने फाइंड करना है पहले A1 अपॉन A. लाइक दिस जैसे मैं करवा रहा हूँ वही चीज फॉलो करिएगा. ये नहीं कि आप सारा पहले, कई बच्चों को हैबिट होती है कि A1 अपॉन A2 उसी के साथ B1 अपॉन B2 इक्वल में डाल देते हैं C1 अपॉन C2. बट जब तक आप फाइंड नहीं करोगे आप नहीं कह सकते कि दे आर इक्वल नॉट इक्वल, क्या कंडीशन है. ठीक है, तो सबसे पहले आपने तीनों फाइंड आउट करनी है. A1 अपॉन A2 कितना है? सो A1 अपॉन A2 क्या है? A1 एंड A2 आर द कोएफिशिएंट ऑफ x, x के कोएफिशिएंट्स है. तो यहां पे x का ऑप्शन कितना है? यस पिक 5. और सेकंड इक्वेशन में x का ऑप्शन कितना है? 7. सो वी विल गिवन
a1 upon a2 is 5 upon 7 like this. ये लिखना है आपने a1 upon a2 equal to 5 upon 7. Then comma. अब आपने next find करना है b1 upon b2. Yes, b1 upon b2 क्या होते हैं? जैसे a1 upon a2 आपके coefficient of x होते हैं, the same way b1 and b2 are the coefficient of y. So coefficient of y बताइए first में कितना है? Yes, b cap. Minus 4 और second में कितना है? 6. So we can write here minus 4 upon 6. Like this one. ऐसे करना है आपको. ठीक है? Okay. Now you can see that we can change it into simplest form. ये 4 और 6 की cutting हो रही है आपकी किसी table पे. So you should do that also. वो भी आपने करना है. ठीक है? तो अगर हम इसको simplify करेंगे, it becomes 2 to 4, 2 to 6 means minus 2 upon 3 आपके पास आता है. B1 upon B2 की value minus 2 upon 3 आती है. In the same way, you will find C1 upon C2. So C1 upon C2 will be equal to. और C1 और C2 आपके क्या हैं? Constant term. इसके साथ x y नहीं लगा है. That are your C1 and C2. So what is the value of C1 in first equation? और second में 9. Write it minus 8 upon 9 like this. ठीक है, तो आपने इस तरीके से पहले तीनों पॉइंट काउंट करने हैं. कोई भी ऐसे नहीं करेगा. मैंने देखा कई बच्चों को ऐसे नहीं करते. b1 upon b2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. फिर लिखते नीचे 5 upon 7 is equal to 9 upon 3 is equal to 9 upon 9. This is completely wrong. ये पूरा ही wrong है. This is not the right way. ऐसा किसी स्टूडेंट ने नहीं करना है. ये बिल्कुल गलत है आपका. और इसके आंसर भी आपके गलत ही आएंगे. ठीक है, सो डोंट यूज दिस मेथड. फर्स्ट फाइंड आउट इंडिविजुअली. सारे पहले अलग से फाइंड करेंगे आप. ठीक है, एंड देन कंपेयर. ठीक है, उसके बाद आपने कंपेयर करना है कि कौन सी कंडीशन इन तीनों में से बनती है. नाउ चेक आउट. फर्स्ट इज 5 अपॉन 7, सेकंड इज -2 अपॉन 3, एंड थर्ड -8 अपॉन 9. सो टेल मी कौन सी कंडीशन बनती है, बताओ. फिर a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 बन रहा है, या फिर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 बन रहा है, कौन सा बन रहा है बताओ. सोचो, a1 upon a2 की वैल्यू 5 upon 7 है, b1 upon b2 की वैल्यू -2 upon 3 है. इज दे आर इक्वल. तो कौन सी कंडीशन बन गई आपकी फिर? Yeah, it become first condition. तो पहले आपने सीधा answer नहीं लिख रहे intersecting line. First write the condition and then mention that it is intersecting line. ठीक है? इससे आपको double benefit होने वाला है. Double benefit कैसे होने वाला है? कि आपको वो condition भी याद हो जाएगी और साथ में आपको वो marks भी उसके पूरे मिलेंगे. ठीक है? तो first you will write here that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Therefore here is intersecting lines. ठीक है, जो आपके पास है, जो ग्राफ बनने वाला है, वो ग्राफ कैसे बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला आपका ग्राफ इसमें बनने वाला है. ठीक है, हाँ जी. बेटे यहाँ तो पूरा क्लियर हो रहा है. मैं वैसे वीडियो डालेंगे, आप वहां से भी देख सकते. ठीक है, डोंट वरी. आप सुनो ध्यान से पहले. कोई बात, बुक अपनी ना, बुक खोल के रखिए साथ में अपनी. ओके, सो फर्स्ट आपका हो गया. इन द सेम वे सेकंड क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल वैसे होगा. चलिए अपनी बुक खोलिए और सेकंड इक्वेशन में पहले आप क्वेश्चन को अरेंज कीजिए. तो क्या लिखेंगे पहले आप उसको? 9x plus 3y is equal to how much? Minus 12. जब से बोला भी कि हमेशा x y को आपने एक साइड पे रखना है एंड कांस्टेंट टर्म को आपने अदर साइड पे रखना है. ठीक है, इन द सेम वे सेकंड इक्वेशन में आपका क्या बनेगा? 18x plus 6y equal to minus 24 and again find out these things, a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 and if there is cancellation is available means अगर वहां पे सिंपलेस्ट टर्म बनाने की जरूरत है then please find out that
एंड उसके बाद फिर आपने कंपेयर करना है, पहले सीधा नहीं करना किसी भी बच्चे ने, फर्स्ट कन्वर्ट दैट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म जरूर बनानी है आप सभी ने, एंड आफ्टर दैट जो है आपने फिर कंपेयर करना है कि कौन सा इनसे कोई ना कोई एक कंडीशन जरूर बनेगी। अच्छा एक और बात सुनो, अगर आपका पहला तो फर्स्ट और टू इक्वल नहीं आते, मीन वन अपॉन इक्वल इक्वल अपॉन वी टू इक्वल नहीं आता है ना, तो थर्ड आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि वो इक्वल है या फिर नहीं है, यू विल नॉट सी दैट, ठीक है। अगर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है, देन यू नीड नॉट टू सी सी वन अपॉन सी टू, फाइंड जरूर करना है आपने, बट यू नीड नॉट टू सी दैट इट इज इक्वल और नॉट, ठीक है, क्योंकि सी वन अपॉन सी टू आपका देखो सेकेंड और थर्ड कंडीशन में आ रहा है, आपके बिल्कुल सेम ऐसे होने वाले हैं सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट एज वेल। ओके नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या लिखा है देखो उसने, अगेन सेम कंपेयर आपने करना है ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू, उसने बोला कंपेयर कीजिए एंड फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आप अपनी कॉपी में जाके देखिए, आई एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी दिस थिंग दैट विच आर कंसिस्टेंट और विच आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट मैंने किसको बोला था, विच है दो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं वो सभी आपने कंसिस्टेंट बोलनी है, एंड विच हैज नो सॉल्यूशन दे विल अंडर इनकंसिस्टेंट, आपने उनको इनकंसिस्टेंट बोलना है, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है आपने इस क्वेश्चन में भी, यानी कि यस ए है कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला भी कंसिस्टेंट है, पैरेलल लाइंस वाला इनकंसिस्टेंट है, एंड कोइंसिडेंट लाइन भी कंसिस्टेंट है आपकी, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट से, एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। सो इन दिस वन क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड का मैं आप लोगों को थर्ड पार्ट करवा दूं, थर्ड ठीक रहेगा ना, क्वेश्चन थर्ड थर्ड पार्ट, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में है तो वे भी शायद कई बच्चों को मुश्किल होती है, तो आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट सॉल्व करूं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है, दैट इज t अपॉन 2x प्लस y अपॉन 3 y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले अब ये चीज भी आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे या अपने माइंड में, दैट whenever you see what there is a denominator, अगर आपकी linear equation two variable में denominator आपको नजर आ रहा है, then always take the LCM for those denominator, तो जो numbers पड़े हैं आपने उनका पहले LCM find out कर लेना, ठीक है। तो two और three का LCM क्या आता है हमारे पास, will be six, ठीक है। जो भी denominator में numbers पड़े हैं उन सबका आप ऐसे find out करेंगे, that will be 6, आपके पास LCM 6 आता है, so you will multiply this equation, whole of this equation with 6, जो भी आपका LCM आया, अगर आपने denominator को यहाँ से eliminate करना है, ठीक है, so multiply by 6 on both, और ये बच्चे आपने तभी करना है अगर आपके denominator में है, तो otherwise no need to do that. हमने सेकंड चैप्टर में भी किया था, अगर आपको याद होगा
जब हमने इक्वेशन बनाई थी 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड, वहां पे भी हमने ये चीज की थी वो। ओके, इसी की सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है, देखो सेकंड इक्वेशन इसी की हमें गिवन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। ठीक है, नाउ यू हैव बोथ द इक्वेशन, अगेन यू विल फाइंड a1 upon a2, b1 upon b2 एंड c1 upon c2। फिर से वही तीनों चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। यस स्पीक अप, व्हाट इज a1 upon a2? हां जी, क्या आएगा a1 upon a2 की वैल्यू? अभी किसी बच्चे ने x बोला है? नहीं, दैट इज रॉन्ग। प्लीज, ये मैंने कल भी यार बात बोली थी कि यू जस्ट टेक द कोफिशिएंट ऑफ x और y, नॉट टेक x। नहीं बोल रहे बच्चों, प्लीज लिसन एंड रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज राइट द कोफिशिएंट। आपने सिर्फ कोफिशिएंट्स यूज करने हैं, कभी भी आपने वेरिएबल नहीं लेना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट जो है x की यहां पे 9 और सेकंड इक्वेशन में भी कोफिशिएंट कितना है हमारे पास? 9 ही है। सो यू कैन राइट हियर 9 upon 9, so we see that it can be cancelled out, so it is 1। In the same way आप b1 upon b2 भी निकाल लीजिए, b1 upon b2 है 10 upon minus 10, again it is divided by it will become minus 5, and then find out c1 upon c2, that is 42 upon 42, और ये भी cancel हो रहे हैं, तो 3 आ गया आपके पास। ओके, तो कौन सी कंडीशन बन रही, देखो मैं आपको बोल देता हूं, a1 upon a2 की वैल्यू आपके पास आई है 1, लिसन कैरफुली, b1 upon b2 की वैल्यू आई है -1, एंड c1 upon c2 इज 3। नाउ टेल मी, आउट ऑफ ऑल दोस थ्री कंडीशंस जो बोर्ड पे लिखी हैं और आपके पास भी लिखी है, टेल मी व्हिच कंडीशन इज देयर, a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, या फिर a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 or all are equal, कौन सी कंडीशन है? वेरी गुड, बिल्कुल सही। आप शायद किसी बच्चे ने सोचा होगा कि a1, शायद आई एम नॉट श्योर कि सोचा ही होगा किसी ने, दैट a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2, क्योंकि उसने शायद ये माइनस का साइन नहीं देखा होगा, उसने माइनस के साइन को इग्नोर किया होगा, तो माइनस साइन आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो 1 है और सेकंड क्या है? -1, जो कि कभी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते, है ना, दे आर नेवर इक्वल, ए 1 इज नॉट इक्वल टू -1। सो हियर इज अगेन फर्स्ट कंडीशन, यू कैन राइट हियर a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। नाउ टेल मी, इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? Yes, that is also I already give you, ठीक है, ये मैंने आपको कल दिया था, ठीक है, so this is again a consistent, so you just write here that it is consistent, आपने बस इतना लिखना है, ठीक है, so your answer is consistent, you just write at the end that it is consistent, ठीक है, okay, so rest of the question again same आपके ऐसे ही होने वाले हैं, first आप बड़े आराम से कर लेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑल क्वेश्चन आर सिमिलर, सभी एक जैसे होने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट आपने यही चीज करके दिखानी है, सेम पहले आपने a1 upon a2 निकालना है, b1 upon b2 निकालना है, c1 upon c2 निकालना है, and then you will see that if it is consistent or inconsistent, पहले ये आपने बताना है, same यही चीज जो अभी मैंने यहाँ पे की है, ठीक है, okay, उसके बाद उसने देखो क्या लिखा है, if consistent, कह रहा अगर consistent है, obtain the solution graphically, तो आपने उसका solution graphically निकालना है, means you have to construct the graph, जो कि हमने yesterday किया था, that I already मैं बार वही दोबारा बोल रहा हूँ कि that video already available on the YouTube, ठीक है, तो वहां पे मैंने वहां पे explain किया हुआ है कि how to construct the graph, आप graph कैसे बना सकते हैं, you can see from there, and in the same way you can do the third question or fourth question, सभी part इसके इसी के जैसे होने वाले हैं, ठीक है students।
और अगर डाउट होगा किसी क्वेश्चन में आपका नहीं आंसर आएगा देन लेट मी नो, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम तब तक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, देखो अगेन स्टेटमेंट सम आ गया। तो स्टेटमेंट सम के लिए मैंने आपसे हमेशा एक ही बात बोली है दैट रीड द स्टेटमेंट वेरी केयर, आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, आप आराम से जो है इसको इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आई गेस मुझे लगता है कि एग्जाम, फाइनल एग्जाम जब भी होगा या फिर आप जो भी एग्जाम होगी उसमें एक आधा स्टेटमेंट सम तो जरूर होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट सम्स ये है कि डेफिनेटली आएगा ही आएगा एक आपके एग्जाम में, सो यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या बोले आपसे, पढ़ते हैं इकट्ठे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, उसने बोला है कि किसी पेरीमीटर का हमने हाफ करना है और वो पेरीमीटर किसका है, रेक्टेंगुलर गार्डन का है। तो रेक्टेंगल वर्ड उसने यूज कर लिया है, यहां से मुझे क्लियर हो गया कि रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ एंड ब्रेथ। यहां से मुझे ये बात क्लियर होगी कि रेक्टेंगल वर्ड उसने यूज कर लिया क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब इसकी डायमेंशंस होगी वो लेंथ होगी एंड ब्रेथ भी होगी, ठीक है। और उस डायमेंशन उस रेक्टेंगल का हमने क्या करना है, हाफ द पेरीमीटर, मतलब उसमें पेरीमीटर को आपने हाफ करना है। हूज लेंथ is 4 meter more than its width is 36, find the dimension of the garden। उसने बोला है कि आपने इसमें dimensions पता कर लिए, ठीक है। So dimensions कौन सी होंगी rectangle की, yes rectangle की dimensions कौन सी होती हैं, बोलो। yes अभी भी मैं बोल के हटाऊं कि जो rectangle है that has dimensions length and breadth, अभी हमने just बात की थी, so we will write that here, that length, that the length that is equal to x meter, ठीक है। अब statement सब में ये चीज always आपको याद होनी भी चाहिए कि जब भी आप जो है find out कर रहे हैं, length find कर रहे हैं या जब कुछ भी question में आपसे पूछा है उसने, वही हम चीज मान लेते हैं हमेशा, ठीक है। उसने डायमेंशन पूछी है तो देखो मैंने वही यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट द लेंथ इज एक्स, लेट द विड्थ इज इक्वल टू वाई, जो विड्थ है वो आपने वाई मान लेनी है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप ध्यान सुनना मेरी बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने, हाफ द पेरीमीटर of rectangular garden is 36, ठीक है, बीच वाली साइड लाइन छोड़ दो। उसके सेंटेंस कहने का मतलब यह है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इन रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर को आपने करना है हाफ, एंड दैट इज इसका मतलब हमेशा बच्चों क्या होता है मैथ्स में, इक्वल होता है, ठीक है। मैथ्स की लैंग्वेज में इज मीनिंग इक्वल, इज 36 मींस You can write half the perimeter. क्वेश्चन में जो बोला देखो मैं वही कर रहा हूँ, half the perimeter. मैंने perimeter का half किया है p upon 2, that is equal to 36. वो क्वेश्चन में बोला है कि वो 36 है, is मतलब equal कितना है 36. So I write here 36. ठीक है, now apply the formula of perimeter. आपने perimeter का formula लगाना है जो कि होता है 2 into n plus b upon this 2 is equal to 36. So 2 से आपका ये 2 cancel हो जाएगा. You have x plus y is equal to 36. तो आपकी equation बन गई. That is x plus y is equal to 36. आपकी equation यहाँ से main हो गई. पहली वाली equation बन गई. दो equation तो बननी ही बननी है. एक इक्वेशन आपके तैयार हो गई है, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 36, ठीक है, ओके। सेकंड क्या लिखा है उसमें देखो, हूज लेंथ, अब लेंथ को मैंने क्या माना यहां पे x, ठीक
इसका मतलब मैथ्स में क्या बोला था मैंने, यस तो लेंथ मतलब एक्स इज मतलब इक्वल फोर मोर, फोर आपने मोर करना है, ज्यादा करना है देन इट्स विड्थ, तो विड्थ कितनी है वाई है। अब याद होगा आपको मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी रुपीज वाली कि आपके पास 20 रुपीज आई थिंक मैंने बोला 20 या 30 कुछ ऐसे था, तो आपके पास 20 रुपीज है मेरे पास 10 रुपीज है, तो अगर दोनों की रुपीज बराबर करने तो मुझे 10 रुपीज और चाहिए, वही चीज यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो विड्थ है वो 4 ज्यादा है, विड्थ जो है वो 4 ज्यादा है, देखो अगेन पढ़ो अपने क्वेश्चन में, सॉरी विड्थ नहीं लेंथ ज्यादा है, उस लेंथ इज 4 मोर, लेंथ की वैल्यू 4 ज्यादा है, ये ज्यादा है बट मुझे करने हैं दोनों आपस में इक्वल, सो आई विल एड 4 ऑन द विड्थ साइड रेदर देन ऑफ लेंथ साइड। ठीक है, तो लेंथ साइड में 4 ना मैं ऐड करके मैंने विड्थ साइड में 4 ऐड कर दिया है, सो दैट बोथ साइड विल बिकम इक्वल। ठीक है, नाउ लेंथ एंड दिस वो था इक्वल, दोनों की वैल्यूज आपस में आपके इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, नाउ फिर क्या बोला था कि ऑलवेज टेक एक्स एंड वाई ऑन वन साइड, आपके एक्स वाई हमेशा एक साइड में होने चाहिए, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड, लॉजिक आपकी सेकंड इक्वेशन भी फ्रेम हो गई यहां पे। ठीक है, एंड आफ्टर फ्रेमिंग दिस इक्वेशन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, क्योंकि हमारी एक्सेस ग्राफिकल मेथड की चल रही है, दैट्स व्हाई यू विल सॉल्व दिस बोथ द इक्वेशन विद द मेथड ऑफ ग्राफिकल। ठीक, ग्राफ से करना है आपने, ग्राफ बनाना है एंड योर ग्राफ मस्ट बी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, जैसे कल हमने बनाया था बिल्कुल सेम आपने ग्राफ इसका खुद बनाना है, आपने खुद बनाना है और उसके बाद जहां पे इंटरसेक्ट करेगा यू विल गेट द आंसर फ्रॉम देयर। ठीक है, ओके, नाउ सिक्स्थ वन क्वेश्चन, दैट्स इजी, और ये क्वेश्चन बच्चों ना आपका ज्यादातर 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में भी आ जाता है, आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, सो आई एम राइटिंग हियर 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगेन वही सेम बात, पहले तो आपने अपना एक्स वाई एक साइड पे रखते हैं कांस्टेंट टर्म ऑन अदर साइड, सो यू कैन राइट हियर 2x प्लस 3 हां नहीं प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस 8 है ना साइड पे, राइट साइड में माइनस 8 है, तो जब आप सॉरी लेफ्ट साइड में माइनस 8 है जो आप राइट में लेके जाओगे तो प्लस 8 हो जाएगा। बुक में देखिए क्वेश्चन वहां पे भी लिखा है। अच्छा आप सुनो ध्यान से, उसने आपसे बोला है राइट अ लीनियर इक्वेशन, यानी अब आपने अपनी तरफ से एक इक्वेशन दे दी। ठीक है, और ऐसी इक्वेशन आपने सोचनी है कि उसको जब हम सिंपलीफाई करें तो आपका जो ग्राफ है दैट विल फॉर्म अ इंटरसेक्टिंग लाइंस, लिसन जो ग्राफ है वो आपका बनना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो अब आप खुद थोड़ा सोचो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की हमने कंडीशंस क्या पढ़ी थी कि ए वन अपॉन ए टू is not equal to b1 upon b2 होना चाहिए, है ना। तो अब मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से ऐसी इक्वेशन सोचनी है कि जब मैं उसका a1 upon a2 और b1 upon b2 फाइंड आउट करूंगा मेरे वो दोनों आपस में इक्वल नहीं आने चाहिए, वो आपस में इक्वल नहीं आने चाहिए, बाकी चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी तरफ से एक इक्वेशन बना ली है। ठीक है, एक मैं बनाता हूँ बाकी आप मुझे बना के बताइए। सो For intersecting lines, अगर मैंने intersecting lines वाला graph बनाया है तो equation ये आपको given है 2x plus 3y is equal to a। तो अब मैंने ऐसी equation सोचनी है जिसका a1 upon a2 b1 upon b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो मैं equation ले लेता हूँ 4x माइनस y इज इक्वल टू 24। देखिए अब मैंने अपनी तरफ से एक इक्वेशन लिया ना,
अब आप इसको सॉल्व करके देखो, इसका a1 अपॉन a2 निकालो, a1 अपॉन a2 कितना आएगा बोलो? हाँ जी कितना आएगा a1 अपॉन a2? 2 अपॉन 4, yes, because मैंने इक्वेशन लिया 4x minus y is equal to 24. So अब मैं इसका a1 upon a2 निकालूंगा, it will be 2 upon 4, ठीक है? 2 upon 4, याद रखना आपने 2 upon 4 निकाला है, ठीक है? Okay, then find b1 upon b2, b1 upon b2 कितना आएगा? 3 upon minus 1, minus 1 का ध्यान रखना बच्चों, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, minus very much important, please see केयरफुल, ठीक है? तो b1 upon b2 की वैल्यू आपकी आती है 3 upon minus 1. So now think, both are equal? They are equal. क्योंकि a1 upon a2 की वैल्यू आपकी जो आई है वो 2 upon 4 यानी 1 upon 2 है. b1 upon b2 की वैल्यू जो आई है वो 3 upon minus 1 है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है. So like this you can frame number of equations. आप जितनी मर्जी इक्वेशन बना सकते हो इस टाइप से, जो जिस तरह आप a1 upon a2 निकालोगे तो वो आपस में बराबर नहीं आने वाला, ठीक है? तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो. अच्छा कोई बच्चा मुझे एग्जांपल दे सकता है इसकी? एक और एग्जांपल दो मुझे फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, कोई एग्जांपल दो. कोई बात नहीं, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कुछ भी सोच लोगे बोल सकते हो आप. यस थोड़ा स्पीड बट लाउडली, थोड़ा सा आवाज कम आ रही है आपकी. हाँ अब इसने बोला है कि सर 3x plus 4y is equal to 32. तो देखो अब इसका a1 upon a2 निकालो, तो a1 upon a2 क्या आएगा? 2 upon 3, ठीक है? एंड b1 upon b2 क्या आएगा आपके पास? 3 upon 4. सो सी बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों आपस में इक्वल है ही नहीं है. सो दिस इज आल्सो अ इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है? इन द सेम वे सेकेंड आपके पास क्या है? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस की हमने कंडीशंस क्या पढ़ी थी? आपके सामने पढ़ी भी है, आप देख सकते हैं कि इसमें a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 आना चाहिए, यानी a1 upon a2 और b1 upon b2 ये आपके बराबर आने चाहिए, बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2. पर c1 upon c2 की वैल्यू बराबर नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो क्या इक्वेशन ले सकते हैं इसको आपने देखना है? आप इक्वेशन मान लीजिए, मैं ले लेता हूं 4x plus 6y is equal to sorry 30, ठीक है? 4x plus 6y is equal to 30. नाउ फाइंड करके देखो क्या आएगा a1 upon a2, बोलो? Yes, 2 upon 4 means 1 upon 2 आएगा, है ना? अगर हम इसे कटिंग कर देते हैं तो 2 upon 4 का मतलब 1 upon 2 होता है, बिल्कुल सही. अब b1 upon b2 फाइंड करो, फिर कितना आता है? वो भी देखो 1 upon 2 आ रहा है, because 3 upon 6 को हम सॉल्व करेंगे तो वो भी 1 upon 2 आ गया. आगे दोनों सेम आपके, a1 upon a2 and b1 upon b2 are equal, दोनों आपके बराबर देखो आ गए हैं. एंड c1 upon c2 कितना है? 8 upon 30 आपका आ रहा है, ठीक है? जो कि इक्वल नहीं है. सो यू कैन सी दैट दिस इज द एग्जांपल फॉर द पैरेलल लाइंस, ठीक है? इस तरीके से आप कुछ भी इक्वेशन बना सकते हैं, कुछ भी आप अपनी तरफ से सोच लीजिए, बस जब उसको आप a1 upon a2 और b1 upon b2 निकालते वो बराबर आना चाहिए, बट c1 upon c2 बराबर नहीं आना चाहिए. फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं यहां पे, मान लो आपने लिए 6x, दूसरी इक्वेशन आप मेरे 6x, तो अगला लेना पड़ेगा आपको 9y, तभी तो 1 upon 3 1 upon 3 बनेगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट आप कुछ भी ले लीजिए, बस 24 नहीं लेना क्योंकि उससे 1 upon 3 आ जाएगा, ठीक है? ओके नाउ थर्ड इज फॉर कोइंसिडेंट लाइन. तो कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशंस हमने क्या रखी है?
दैट ऑल मस्ट बी इक्वल, सारे ही बराबर होने चाहिए आपके उसमें. सो आई कैन टेक द एग्जांपल एज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16. ठीक है, तो अब आप देखिए 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 मैंने लिया. अब 4x 2 अपॉन 4 निकालोगे 1 अपॉन 2 आता है, 3 अपॉन 6 फाइंड करोगे 1 अपॉन 2 आता है, 8 अपॉन 16 निकालोगे वो भी 1 अपॉन 2 आया, यानी कि ऑल आर इक्वल. सो इट मींस देयर विल बी कोइंसिडेंट लाइंस. तो इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं अपनी तरफ से, जरूरी यही एग्जांपल लेनी है. यू कैन थिंक एनी एग्जांपल्स, पर जब उनको फाइंड आउट करोगे वो कंडीशन वेरीफाई जरूर हो जाए उसमें. ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल जो है वो सोच सकते हैं. ठीक है, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7th में आपसे उसने क्या पूछा है, ग्राफ. फिर से वही ग्राफ आ गया, तो जस्ट मेक द ग्राफ. एंड ये आपने ऑलरेडी वैसे 9th क्लास में भी किया हुआ है, तो आपके एग्जाम में भी आया था ऐसा क्वेश्चन. तो ड्रा द ग्राफ, आप इसका ग्राफ बनाइए सेम जैसे कल मैंने सिखाया था, और उसके बाद आपने जो ट्रायंगल की शेप वहां बनने वाली है उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये होमवर्क आपके लिए है. अगर आपसे एरिया नहीं निकलेगा बट ग्राफ जरूर बना के रखिएगा, ताकि मैं पॉइंट्स आपसे पूछ के फटाफट उसका एरिया निकाल दूं जो अगर आपका नहीं निकला तो. ठीक है, ओके. एनी अदर डाउट, और कुछ पूछना है किसी बच्चे ने?